रोजाना सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Hey guys, it's me Deep Life, और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ Deep Life Customs के एक नए एपिसोड में। अच्छा तो आज हमारे स्टूडियो में है एप्पल का एक एप्पल मतलब सेब का एक MacBook Pro 2019 एडिशन। सबको एप्पल्स और केले बहुत पसंद है, तो ये जो MacBook Pro 2019 एडिशन है ये हमें दिया है आदर्श ने। ये हमारे सब्सक्राइबर है जो मेरे पास में रहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का कॉन्टेक्ट हो गया इंस्टाग्राम पे। और आपको पता है मैं ये कस्टमाइजेशन की सीरीज कर रहा हूँ, तो अगर मैं बोलता रहता हूँ आप लोगों को कोई प्रोडक्ट भेजना है तो आप मुझे भेज सकते हो कस्टमाइज करने के लिए। वैसे ही इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया, तो आदर्श जो है पेशे से एक फोटोग्राफर है एंड उनको एग्जैक्टली पता था उनको क्या चाहिए। उनको रेड बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर का डूडल चाहिए था, मतलब ऐसे क्रिसमस ही थीम हो जाती है काफी ज्यादा, एंड उनको ये करके चाहिए उनके मैक पे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो मैंने सैंड पेपर से घिस के वो रबर कोटिंग निकाली, और रबर कोटिंग पे आप लोग का स्प्रे पेंट टिकता नहीं है, इसलिए वी नीड नंदा प्लास्टिक, नेकेड प्लास्टिक लगता है। मैं इधर आई बटन में दे दूंगा पूरा सैंड करके घिस के, बाद में पूरा एकदम प्लेन मस्त एकदम ऐसे स्मूथ लाइक सिल्क उसकी सरफेस बना दी, एंड बाद में हम लोग इसे करेंगे स्प्रे पेंट एज यूजुअल, और बाद में इसमें करने वाले डूडल। तो बहुत दिनों से मैंने डूडल नहीं बनाया और फोटोग्राफी रिलेटेड कुछ डूडल बनाना पड़ेगा। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम और वक्त जाया ना करते हुए हम लोग जाएंगे सीधा मेरे ड्रॉइंग टेबल पे और करते हैं। इस बार यू कैन सी ऑलरेडी मैंने वो सारी जो आपको पिछले वीडियो में मेहनत बताई थी कि पहले वी को 700 ग्रेड के सैंड पेपर से 800 ग्रेड के सैंड पेपर से 1500 ग्रेड सैंड पेपर तक, और बाद में ये स्मूथ फिनिश अचीव की है, क्योंकि इसके ऊपर इतना सारा कचरा था, इतना सारा रबर था। आप यू कैन सी स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स, तो ये सब रबर का कचरा मैंने निकाल दिया है। एंड नाउ द मैक इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। अभी हम लोग इसे करने जाने वाले स्प्रे पेंट एंड उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी डूडलिंग करेंगे। तो बेस कोट मैं देने वाला हूँ प्राइमर रेड इस कलर से। तो जाते हैं मेरी बिल्डिंग में नीचे अभी और करते हैं इसे प्राइमर कोट। सो गाइस प्राइमर कोट सूखने के बाद कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, यू कैन सी थोड़ा लेदर जैसी फीलिंग आ रही है। फिर हम लोग उसके ऊपर से जाएंगे विद फ्लोरोसेंट रेड। गाइज अभी मैं करने जाने वाला हूँ सेकेंड कोट, अभी ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके गाइज अभी हम लोग ने सेकेंड कोट भी मार दिया है एंड द सरफेस इज क्वाइट रफ, इसलिए बिफोर स्टार्टिंग द डूडल मैं सोच रहा हूँ कि इसको 1500 ग्रिट के सैंड पेपर से एक बार चकाचक कर दूँ मुलायम एकदम ऐसे मक्खन। उसको फोटोग्राफी रिलेटेड डूडल चाहिए, तो हम लोग डूडल बनाएंगे बाद में क्लियर कोट करेंगे। तो फोटोग्राफी रिलेटेड लाइक कैमराज वैमराज ऐसे थोड़े पिक्चर्स क्या क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को, तो डूडल तो बन जाएगा बिकॉज डूडल तो बन जाएगा। मैं फ्री हैंड बनाऊँगा, कोई पेंसिल इस्तेमाल नहीं करूँगा। सैंड करने के बाद सरफेस एकदम अच्छे से तैयार हो गई है, मैंने इसे एक बार पोच भी लिया अच्छे से, एंड सो ऑल द रेसिड्यू इज ऑफ राइट नाउ। चलिए करते हैं।
सो गाइज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के डूडल के बाद ये मैं अचीव कर पाया हूँ। बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग ने इसमें ऐड कर दिए जो रिलेटेड टू फोटोग्राफी है। यू कैन सी अ बिग लेंस, यू कैन सी अ बिग कैमरा, छोटा सा प्ले बटन है, उधर एप्पल का लोगो है विच इज इनसाइड अ पिक्चर, एंड स्पेशली इधर मैंने आदर्श का नाम भी लिख दिया क्योंकि दिस इज पर्सनलाइज्ड एंड उनको थोड़ा अपना अपना लगे इसीलिए, एंड इधर मेरी सिग्नेचर है शॉर्ट में। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अभी हम लोग इसे थोड़ी देर सूखने देंगे और फिर करेंगे क्लियर को ताकि ये पूरा पक जाए, सील हो जाए, एंड देन वी आर गुड टू गो। सो गाइज ग्लॉस क्लियर कोट करने के बाद मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि कोई कोई जगह से थोड़ा फेड हो गया, जो पेंट हैवी है नीचे बैठ जाता है, जो हल्का है ऊपर आ जाता है, एंड उसकी वजह से ये हुआ ये पार्ट। तो ओके गाइज आई लिटरली वेंट हर एक लाइन के ऊपर से फिर एक बार, तभी जाके ये ऐसे हुआ। तो जब भी आपका पेंट मार्कर ज़रा भी गीला हो बिल्कुल क्लियर कोट मत कीजिएगा, आपको डबल काम हो जाएगा। एंड वैसे भी मैंने पहले ट्राई किया था, पेंट मार्कर इतना आसानी से बिल्कुल नहीं निकलता है, तो दिस इज ऑलमोस्ट परमानेंट। हेलो, सो गाइज आदर्श हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था रिगार्डिंग दिस, एंड ये हम लोग ने उनके लिए बनाया। या दैट्स वेरी नाइस ब्रो, ओके थैंक्स फॉर, पसंद आया ना? यस। इन्होंने मुझे कहा था कि रेड बैकग्राउंड पे उनको व्हाइट डूडल चाहिए, तो वैसे ही किया जैसे इन्होंने बताया था। ओके, ज्यादा ही मिल गया जो है, बट बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ब्रो। अभी एप्पल का लोगो है ना प्रॉपर दिख रहा है, मतलब हाँ पहले कैसा ब्लैक था ना, तो वो उसके वजह से वो लोगो भी मतलब हाईलाइट नहीं होता था। हाँ, ब्लेंड हो जाता था, अभी वो पूरा हाईलाइट हो रहा है। सो गाइज आदर्श एब्सोल्युटली लव्ड आवर डूडल, मतलब उसके चेहरे की स्माइल देख के आप बता ही सकते हो उनको कितना ज्यादा पसंद आया। वैसे आप अगर कस्टम एप्पल के ओरिजिनल ये सारी चीजें लेने जाओ तो 3,000 से 4,000 से 5,000 मतलब प्राइसेस देयर, मोनोपोलीज देयर, उनको जो चार्ज करना है चार्ज करेंगे, पर हम लोग ऐसी क्रिएटिविटी से मैं आपके लिए कोई भी चीज बना सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि नेक्स्ट कस्टम एपिसोड में आपके लिए मैं कोई चीज बनाऊँ, तो दिस इज माई ईमेल आईडी। मैं शूज भी बनाना पसंद करूंगा, अगर आपके पास नाइकी के एयरफोर्स या कोई शूज है तो यू कैन सेंड देम टू मी टू कस्टमाइज। तो आपके भी ऐसे कई सारे दोस्त रहेंगे जिनको कस्टमाइज करना चीजें पसंद है पर वो खुद कर नहीं पाते ड्यू टू सम और दी अदर रीजन, तो उनको मेरा चैनल दिखाइए और बोलिए भाई सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन आएंगे एवरी सिंगल टाइम मैंने अपलोड अ वीडियो, और मंदिर में जैसे घंटी बजाते हो वैसे नीचे की घंटी ऐसे बजा देना। गाइस दिस इज माय इंस्टाग्राम, इधर मैं काफी आसानी से रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ आप लोगों को कोई क्वेश्चंस रहेंगे, एंड आई ऑल्सो अपलोड माई प्राइवेट पिक्चर्स देयर, मतलब व्हेन आई एम विद माई फैमिली एंड बहुत सारी चीजें। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, मैं हूँ आपका डीप लाइफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।